हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। चंद्रमुखी चौटाला, जी हां, बिग बॉस सीजन 14 में चंद्रमुखी चौटाला से फेमस हुई कविता कौशिक की एंट्री हो चुकी है। एंट्री से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि कविता कौशिक जो हैं वो इस शो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएंगी और जो घर में नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जिस तरीके से आते ही कविता ने घर में आग लगानी शुरू कर दी है वो भी साफ देखने को मिल रही है। सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में जिस तरीके से वो आग लगाने का काम कर रही हैं, अब उससे बाहर जो फैंस देख रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि वीकेंड का वार के कल के एपिसोड में ही जो तीन नए वाइल्ड कार्ड्स हैं उनकी एंट्री हुई है, जिनमें कविता कौशिक है, शार्दुल पांडे हैं और नैना सिंह हैं। इन तीनों की एंट्री हुई है। शार्दुल और जो नैना हैं वो लोग रेड जोन में हैं और जो कविता कौशिक हैं वो ग्रीन जोन के साथ साथ घर की नई कप्तान भी बन गई हैं। तो ये भी घर वालों के लिए एक बेहद ही शॉकिंग बात है कि आते ही एक कंटेस्टेंट जो कि एज अ वाइल्ड कार्ड शो में आया है और आते ही सीधा कैप्टन भी बन गया है। अब कैप्टन तो बन चुकी हैं कविता, लेकिन कविता की नज़र सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं रुबीना दिलेक पर ही है, क्योंकि बीते एपिसोड में उन्हें देखा भी गया है कि जो उनके दोस्त हैं शो में एजाज खान, उनसे वो बात करती हुई नजर आईं। दरअसल हुआ क्या था कि जो एजाज खान हैं वो उनसे बात कर रहे थे कविता से और बोल रहे थे उनको, कविता को, कि मेरी रुबीना से बिल्कुल भी नहीं पटती है, वो मुझे समझ में नहीं आती है। बस इतनी सी ही बात कहनी होती है कि जो कविता कौशिक हैं वो तो बरस ही पड़ती हैं रुबीना को लेकर के। सबसे पहले तो वो रुबीना को बोलती हैं कि रुबीना जो हैं वो बहुत इनसिक्योर हैं और उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से जो उनका पति है अभिनव वो भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कविता हैं उनको भी रुबीना पसंद नहीं आ रही हैं, और ये चीज़ जब कविता ने घर के अंदर बोली रुबीना दिलेक को लेकर, तो बाहर बैठी रुबीना की जो बहन है ज्योतिका, उनको ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है और उन्होंने सीधा सीधा कविता कौशिक पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कविता की वाट लगाई है। आखिर क्या कहा है रुबीना की बहन ने, चलिए आपको बताते हैं। रुबीना की जो बहन है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, समवन इज कॉलिंग रुबीना दिलेक इनसिक्योर, सीरियसली, देन व्हाई डिड शी गो टू कंसोल पवित्रा पुनिया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कविता हैड टू कम टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो रुबीना दिलेक की बहन है ज्योतिका, उन्होंने सीधा सीधा कविता पर तंज कसा है। क्या सीरियसली रुबीना को इनसिक्योरिटी फील हो रही है? बल्कि आप तो घर के अंदर पॉजिटिविटी लाने वाली थी, लेकिन ये क्या हो रहा है? आप तो सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में आग लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कविता कौशिक जो है उन्होंने आते के साथ ही अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। अपनी दबंग पर्सनालिटी के लिए मशहूर कविता कौशिक जो हैं उन्होंने आते ही घर वालों पर हल्ला बोल दिया है और अब तो कप्तान भी बन गई हैं, तो और भी रौब उनके अंदर आ चुका है। तो ये चीज़ कविता कौशिक की आने वाले एपिसोड्स में कितनी ज़्यादा और खुल कर के आएगी, क्या इसको लेकर के रुबीना और कविता के बीच आगे काफ़ी ज़्यादा घमासान देखने को मिलेगा या क्या कुछ लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे रुबीना की बहन ने जो कमेंट किया है कविता को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिग बॉस 14 से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।